से कॉफी गिर गई है, जरा आकर साफ कर दो। घर आ गया, मैं इसी के बारे में कह रही थी तुमसे। तुमने जैसे कहा था ये तो बिल्कुल वैसा ही है, मैं देखती ही पहचान गई थी। आओ अपनी दीदी के गले लगो, आओ मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपनी बहन के फेवरेट भाई हो। देखो जरा तुम दोनों में ज्यादा स्मार्ट कौन है। सैसिक और मेरी दोस्ती जेल में हुई थी, ये कुछ दिन यही रुकेगी। स्वागत है आपका, आओ वहाँ चल के बैठ के बातें करते हैं। जेल का नाम सुनते ही ये लड़का तो टेंशन में आ गया, पर मैं इसकी बहुत पक्की दोस्त हूँ और आज से तुम भी मेरे भाई हो, समझ गए? समझ गया। मैंने सुना तुम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में हो, कैसा लगता है इतने बड़े जगह पर पढ़ाई करके? दरअसल वो बस एक नॉर्मल सा कॉलेज है, ऐसी कोई खास चीज नहीं है वहाँ पर भी। चलो अब रहमत भी आ गया है तो मैं खाना लगा देती हूँ। रुको ना, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। कोई माना बनने पर अपनी बीवी को क्यों मारेगा? मैं उसकी दूसरी पत्नी थी, पहली वाली माँ नहीं बन पाई तो उसने तलाक दे दिया। तो आपको मारा क्यों, तलाक दे देता? वही तो मैंने कहा, हो सकता है मैं जवान हूँ इसीलिए, और खूबसूरत भी। उसे लगता था कि मैं जानबूझकर माँ नहीं बनना चाहती हूँ, इसीलिए मारता था। वैसे तुम्हें ये सब्जी कैसे लगी, अच्छी बनाई है ना? सच कह रहा हूँ ये बहुत ही टेस्टी है। बहुत अच्छी बनी है। सैसिक सच में बहुत टैलेंटेड है, ये ऐसे नेकलेस और ब्रेसलेट्स बनाती है जो दुकान में भी नहीं मिलते। अब तुम देखना मैं पहले से भी अच्छे नेकलेसेस बनाने वाली हूँ। हम काम शुरू करते हैं। उसके लिए पैसे चाहिए और उसके लिए नौकरी। सिचक, आपको इतनी बार हॉस्पिटल ले जाया गया, पुलिस ने कुछ किया नहीं क्या? इस बारे में इतना क्यों सोच रहे हो हिकमत? इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था, जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए। हाँ मगर वो आदमी ये सब खत्म करना चाहता है। सिचक आप ही ने तो बताया कि वो आपको मारना चाहता है, अगर उसने ऐसा कुछ किया तो आप बताइए आप क्या करेंगी? अरे ऐसे नहीं कहते। ऊपर वाला करे ऐसा कभी ना हो, वो मुझे इतने बड़े शहर में ढूंढेगा कैसे? मैंने ऐसे बहुत से पागल देखे, जैसे वो आसिम, वो एसरा के पीछे पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ याद नहीं है क्या? अच्छा होगा अगर हम उनकी बात ना करें, आसिम जेल में है और सब खत्म हो गया। ठीक है। ये एसरा कौन है? तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हारा बेड भी अपने कमरे में लगा रही हूँ, तुम क्लास के वापस आने तक वहीं सो सकती हो। तुम टेंशन मत लो, मुझे एक ही तकिया चाहिए, मुझे कहीं भी सोने में प्रॉब्लम नहीं है। ये काफी अच्छा बना था। थैंक यू रहमत। तुम्हें थोड़ा और चाहिए? बजाय तो ले लेता हूँ। थैंक यू दीदी। कितना खाएगा? अभी तो शुरू किया है। अगर आप उसकी जान भी ले लेंगी तो क्या फायदा, पूरी जिंदगी आपको जेल में गुजारनी पड़ेगी। फायदा होता है, उस रात अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मार डालता, मैंने बस खुद को बचाया। इसके सिवा और कोई रास्ता तो होगा ना? और कोई रास्ता नहीं था, और मैं क्या कर लेती? एक अकेली औरत होने की वजह से मैं वहां से भाग कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। मेरे परिवार वाले भी यही चाहते थे, जेल में कम से कम मैं सुरक्षित तो थी। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती, कोई तो रास्ता जरूर होगा।